जी हमारे साथ कुछ वकील हैं, आइए इस मसले पे उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से जो ये घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में, और कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कामनी जायसवाल की याचिका थी, जजों के नाम पे घूस लेने का मामला था, उसमें SIT जांच की मांग को खारिज कर दिया है, और ये माना है कि जिस तरीके से प्रशांत भूषण और कामनी जायसवाल ने ये CGI के ऊपर आरोप लगाया कि आपका नाम FIR में है, और ये कंटेम्पचुअस है, लेकिन हम इसमें कंटेम्प्ट नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, तो इस मामले में आपका कहना क्या है? मेरा ये कहना है कि ये चीफ कोर्ट की उदारता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उनको इतना मार्जिन दिया। जब FIR में नाम सीधे सीधे नहीं है तो चीफ जस्टिस का नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। वेग एलिगेशंस आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते नहीं लगा सकते हैं। आप कानून की बात कीजिए, FIR की बात कीजिए, अगर FIR में नाम नहीं है तो आप फालतू की बातें छोड़ के आप ये नहीं कह सकते। और दूसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो इन्वेस्टिगेशन का जो भी उसमें आएगा वो आगे देखी जाएगी बात, अभी से आप अपने आप उसमें जजमेंट नहीं सुना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है इस मामले में। और कंटेम्प्ट, अगर आप बिना बात के, और कंटेम्प्ट क्या है इसमें, इसमें डेफेमेशन भी क्यों नहीं बनता? चीफ जस्टिस का नाम नहीं है और आप झूठ झूठ कहकर आप कह दे रहे हैं कि आपके नाम है, FIR में कोई नाम नहीं है, ये एक बिल्कुल वेग गैर जिम्मेदाराना बयान है। और सवाल ये उठता है कि साफ तौर पर जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है जो भी धक्का या धब्बा लगना था, नुकसान होना था, वो जुडिशरी का हो चुका है और लोग इसको शक की निगाह से देख रहे हैं। तो आपका क्या कहना कि क्या इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कार्रवाई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट में जो सिटिंग जज है वो देखेंगे। पर इसमें यह भी देखना चाहिए कि सेम पिटीशन दो दो जज के पास कैसे लग जाती है। ये टेक्निकल है, एक मतलब कोर्ट नंबर 2 में होता है जिसने 5 बेंचों का ये गठन कर देता है, एक कोर्ट में लगता है जिन्होंने 2-3 को बेंच का उसने बैठाता है। तो ये दोनों से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन, मतलब इसे फैला तो है कंट्राडिक्शन, और इस कंट्राडिक्शन से अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के कंट्राडिक्शन आते हैं तो थोड़ी सी तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा है उस पर तो धब्बा लगता है। ये ऐसे होने नहीं चाहिए थे।